Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello children, welcome back to our Urdu class. Hope you all are fine. So, let's begin our Urdu lesson. प्यारे बच्चों, आज हम जमात चारुम के मजमून उर्दू में नज्म हमदर्दी का दूसरा हिस्सा ग्रामर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मुश्किल अल्फाज माने मुख्तसर जवाबी सवालात, जुमलों में इस्तेमाल और जबान फहमी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपकी दर्सी किताब के सफा नंबर 24 पर देखिए, यहाँ पर चंद मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं जो आपको अपने फ्रेंड नोट में दर्ज करना है। तो पहला मुश्किल लफ्ज है शजर, इसके माने हैं दरख्त। दूसरा मुश्किल लफ्ज है आशिया, इसके माने हैं घोंसला। तीसरा लफ्ज है रा, इसके माने हैं रास्ता। चौथा लफ्ज है मशाल, इसके माने हैं चिरागदान। पांचवा लफ्ज है तन्हा, इसके माने हैं अकेला। छठा लफ्ज है आहवजारी, इसके माने हैं रोना पीटना। सातवां लफ्ज है दिया, इसके माने हैं चिराग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्तसर जवाबी सवालात पर। इसमें पहला सवाल है, टहनी पर कौन बैठा था? प्यारे बच्चों बताइए, टहनी पर कौन बैठा था? शाबाश, टहनी पर तन्हा बुलबुल बैठा था। दूसरा सवाल है, बुलबुल ने दिन किस तरह गुजारा? इसका जवाब है, बुलबुल ने अपना दिन उड़ने और चुगने में गुजारा। तीसरा सवाल है, बुलबुल क्यों उदास बैठा था? जवाब, बुलबुल को अपने घोंसले पर पहुंचना था, रात होने की वजह से हर चीज पर अंधेरा छा गया था, इसीलिए बुलबुल उदास बैठा था। चौथा सवाल है, बुलबुल की आहवाजारी सुनकर मदद के लिए कौन आया? बोलिए बच्चों, बुलबुल की आहवाजारी सुनकर मदद के लिए कौन आया? शाबाश, तो इसका जवाब है, बुलबुल की आहवाजारी सुनकर जुगनू मदद के लिए आया। प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात को आपके फ्रेंड नोट में दर्ज कीजिए, आपके फ्रेंड नोट मुकम्मल कीजिए। इसके बाद मश्क नंबर 3 में इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको नीचे चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनकी मदद से आपको जुमले बनाना है। तो पहला लफ्ज है रात, तो इसका जुमला हुआ है, रात के वक्त तारे चमकते हैं। दूसरा लफ्ज है जुगनू, जुगनू अंधेरे में रोशनी करता है। तीसरा लफ्ज है शजर, शजर का जुमला ये है कि तन्हा बुलबुल शजर की टहनी पर बैठा था। चौथा लफ्ज है रोशनी, कम रोशनी में पढ़ने या लिखने से आंखों की बिनाई
कम हो जाती है। पांचवा लफ्ज है मदद। मदद का जुमला है, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इन तमाम जुमलों को आपकी दसवीं किताब में मुकम्मल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सफा नंबर 25 पर। प्यारे बच्चों, सफा नंबर 25 पर देखिए, जहां एक जदवल दिया गया है। इस जदवल की मदद से अशार मुकम्मल करना है। जैसे पहला शेर है, टहनी पे किसी शजर की तन्हा। इस शेर के आदात दिए गए हैं। इन आदात के जुमलों को एक जगह लिखकर शेर को दूसरा शेर के आदात है 7 जमा 3 जमा 15। प्यारे बच्चों, यहाँ जदवल में देखिए 7 नंबर पर क्या है बच्चों, यहाँ पर बुलबुल, और 3 नंबर पर था कोई, और 15 आदत पे क्या है, उदास बैठा। तो प्यारे बच्चों, इन आदत से बना हुआ शेर है बुलबुल था कोई उदास बैठा। तीसरे शेर के आदाद है 2 जमा 11 जमा 9। प्यारे बच्चों, इन आदाद से बना हुआ शेर है हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से। चौथे शेर के आदाद है 13 जमा 8 जमा 6। प्यारे बच्चों, इन आदात से बना हुआ शेर है मैं रा में रोशनी करूंगा, महरा में रोशनी करूंगा। उसी तरह पांचवें शेर के आदात है 10 जमा 4 जमा 1। तो प्यारे बच्चों, इन आदात से बना हुआ शेर है अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल। अजीज तलबा, इन तमाम अशार को आपकी दरसी किताब में मुकम्मल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफा नंबर 26 पर, जहाँ पे मश्क नंबर 5 जिसमें खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर करना है। तो पहला है उड़ने चुगने में डैश गुजारा। तो बच्चों, इस खाली जगह में क्या आना चाहिए, दिन या रात। शाबाश, दिन, सही जवाब। उड़ने चुगने में दिन गुजारा। दूसरा है हर चीज पे छा गया डैश। तो बच्चों, हर चीज पे क्या छा गया, हाँ बिल्कुल सही, अंधेरा। हर चीज पे छा गया अंधेरा। तीसरा है डैश कोई पास ही से बोला। तो बच्चों, कौन पास ही से बोला, बुलबुल या जुगनू। शाबाश, जुगनू, जुगनू कोई पास ही से बोला। चौथा है मैं राह में डैश करूंगा, मैं राह में रोशनी करूंगा। और पांचवा है अल्लाह ने दी है मुझको डैश। बच्चों, इस खाली जगह में क्या आना चाहिए, शमा या मशाल। हाँ बिल्कुल सही जवाब, मशाल। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल। अजीज तलबा, इसके बाद हम
जबान फहमी में इसमें कैफियत के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें कैफियत वो इस्म है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, जैसे बचपन, ईमानदारी, सर्दी। इन अल्फाज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मिसाल के तौर पर चंद जुमले यहाँ दिए गए हैं, आप इन्हें गौर से सुने और समझें। पहला है, बचपन में वो लड़का बहुत होशियार था। प्यारे बच्चों, इस जुमले में बचपन इसमें कैफियत है और लड़का इसमें आम है। दूसरा है, इमारत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। प्यारे बच्चों, इस जुमले में ऊंचाई इसमें कैफियत है और इमारत इसमें आम है। तीसरा है, दिसंबर में सर्दी बहुत लगती है। प्यारे बच्चों, इस जुमले में सर्दी इसमें कैफियत है और दिसंबर इसमें आम है। तो चलिए बच्चों, सफा नंबर 27 पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जिसमें से आपको इसमें कैफियत को चुनकर नीचे दिए गए खाली जगहों में लिखना है। मिसाल के तौर पर पहला है चालाकी, दूसरा है ईमानदारी, तीसरा है सर्दी, चौथा है गरीबी, पांचवा है ऊंचाई, छठा है बचपन, सातवा है गर्मी और आठवा है रोशनी। प्यारे बच्चों, इन तमाम अल्फाजों को आपकी दर्सी किताब में लिखकर मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, अब आप मेरे सवालात का जवाब दीजिए। बुलबुल की उदासी की वजह क्या थी? बोलिए बच्चों। शाबाश, सही जवाब। बुलबुल इसीलिए उदास था क्योंकि वो अंधेरी रात की वजह से वो अपने घोंसले तक नहीं पहुंच सकता था। दूसरा सवाल है, जुगनू छोटा होने के बावजूद बुलबुल की मदद किस तरह कर सकता है? बोलिए बच्चों। शाबाश, सही जवाब। जुगनू छोटा होने के बावजूद अपनी चमक से बुलबुल के रास्ते में रोशनी करके उसकी मदद कर सकता है। औलिया तुलबा से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों के सामने कमजोरों, ज़ईफों और माजूरों के साथ हुस्न सलूक करें ताकि उनके अंदर भी हमदर्दी का जज्बा पैदा हो। तो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।